डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पर्पसिव सैम्पलिंग परपसिव सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग परपसिव सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच द रिसर्चर सेलेक्ट्स द रिस्पॉन्डेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया हमने जो लास्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप पढ़ी थी वो कन्वीनियंट सेम्पलिंग थी और उसमें हमने पढ़ा था कि जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कन्वीनियंस मगर परपसिव सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो अपनी कन्वीनियंस नहीं देखता बल्कि अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया द रिसर्चर सेलेक्ट्स द रिस्पॉन्डेंट्स फ्राम द पॉपुलेशन अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो ये टाइप है परपसिव सैम्पलिंग की इसमें एक सेलेक्टिव जजमेंट भी हो सकती है और एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया भी हो सकता है फॉर इंस्टेंस अगर रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को तो वो उसमें एक आ, ये क्राइटेरिया लगा सकता है कि उसने सिर्फ वो स्टूडेंट्स लेने हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में इनरोल है या इससे ऑनवर्ड्स इनरोल हैं वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को स्टडी नहीं करेगा तो ये एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है तो जब वो सैम्पल अपना सेलेक्ट करेगा और उसमें जब रिस्पोंडेंट्स को अप्रोच करेगा तो वो ये बात जहन में रख के उसको अप्रोच करेगा इसी वजह से इस सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोला जाता है एंड इट इज़ यूज इन एक्सप्लोरेटिव एंड फील्ड रिसर्च ये जो सैम्पलिंग की टाइप है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं जब हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसा इमर्जिंग इशू है जिसका अभी पॉपुलेशन नॉन नहीं है तो उस सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि ये हम सैम्पलिंग टाइप यूज़ करें और कोई फील्ड रिसर्च है हमारी जिसमें आपके पास हो एक कम्युनिटी है आपने उस कम्युनिटी के किसी प्रॉब्लम को स्टडी करना है और उस कम्युनिटी में से आपने देखने हैं कि कौन से प्रोपरीट रिस्पोंडेंट्स हैं तो उस सिचुएशन में भी हम ये सैम्पलिंग की टाइप को स्टडी कर आ, सा, ये सैम्पलिंग की टाइप लेते हैं तो अगर हम ये देखें इसको एक इलस्ट्रेशन में कि आपकी पॉपुलेशन जो, है, आ, वो है, जो है वो एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन है और उसमें से जो सेलेक्ट हुए हैं वो एक जो परपसिव सैम्पल जो सेलेक्ट किया गया है वो उसमें कोई प्री डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स है फॉर इंस्टेंस हम ये एज्यूम करते हैं कि ये पॉपुलेशन वो है जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में आ, जिनकी आ, जो है प्रॉपर्टी आई और उसके ये अफेक्ट हैं तो अब इनमें से हमने वो सैम्पल सेलेक्ट किया है जिनके जो है एडजस्टमेंट्स नहीं हुई प्रॉपर्टी की थ्रू गवर्नमेंट तो हम उनसे फीडबैक लेना चाहते हैं कि उनके क्या मिसाइल थे तो हमने उनको पहले मार्क कर लिया कि ये वो लोग हैं और उन्हीं को फिर हमने सैम्पल किया अपनी स्टडी के लिए व्हाट आर द एडवाटेज ऑफ द परपसिव सैम्पलिंग परपसिव सैम्पलिंग इज कॉस्ट एंड टाइम अफेक्टिव स्ट्रेटजी यानी हम जब प्रोबेबिलिटी सैम्पल करते हैं और उसमें अगर हम जो है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो इट कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी एज कम्पेयर टू द पर्पसिव सैम्पलिंग एंड थ्रू दिस सैम्पलिंग टेक्निक यू हैव द एबिलिटी टू एड्रेस द यूनिक केसेस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दी है कि एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में सिर्फ वो लोग जो के जिनकी प्रॉपर्टी रीसेटलमेंट्स नहीं हुई तो हम उनको अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ वही लेंगे तो हम इससे यूनिक केसेस को जो है एड्रेस कर सकते हैं एंड वी ट्राई टू लोकेट द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इन पर्पसिव सैम्पलिंग दिस इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू डेवलप अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया अब मैं अगर आपको इसकी और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आप अगर कोई स्टडी कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुंस पे तो आप पहले डिफ़ाइन करेंगे हु आर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जो सोशल मीडिया में टिकटॉकर्स हैं इंस्टाग्राम्स के यूज़र्स हैं यूट्यूब कंटेंट डेवलपर हैं उनमें से कितने के उनकी जो है फ़ैन फॉलोइंग होगी कितना उनका जो है रीच आउट होगा उसकी बेसिस पे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को डिफ़ाइन करेंगे और फिर उन्हीं से आप डाटा कलेक्ट करेंगे स्टडी ऑन द रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपको पता है कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड हेयर वी हैव मल्टीपल रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वॉन्ट टू स्टडी द वॉल्टर बिहेवियर ऑफ़ द पीपल वर्किंग इन दीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो फिर आप सिर्फ उन्हीं के मेम्बर्स को लेंगे एंड स्टडी ऑन द वुमन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन आप वुमन पोलिटिकल पार्टिसपेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसमें आप सिर्फ वुमन पोलिटिकल एक्टिविस्ट को लेते हैं या वुमन पोलिटिकल जो आपके लीडर्स हैं उनको लेते हैं या जो वो वो वुमेन पॉलिटिकल जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको लेते हैं तो ये भी एक परपसिव सैम्पलिंग की ही टाइप होगी